प्रूफ है ये वाला, लेकिन इसको एक बार अगर हम समझ लेंगे तो फिर आराम से हम इसको कर सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट इट दैट व्हाट द थ्योरम इज। इन फैक्ट द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज दैट द थ्योरम सेज दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, और इस सर्कल के ऊपर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी से ये हमारा है एक टेंजेंट। डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट सपोज करो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट एक लाइन होती है जो इस सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे मीट करता है या इंटरसेक्ट करता है। इसको हम कहते हैं टेंजेंट टू सर्कल। सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट इज टेंजेंट टू अ सर्कल? टेंजेंट टू अ सर्कल इज बेसिकली अ लाइन। व्हाट काइंड ऑफ लाइन? विच इज एग्जैक्टली टचिंग द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। किसी भी सर्कल के ऊपर जो उसका टेंजेंट होता है वो वाली लाइन होती है जो उस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करती है या इंटरसेक्ट करती है। ये देखो, ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर टेंजेंट्स। ऑल दीज लाइन्स आर व्हाट? दीज आर द टेंजेंट्स टू सर्कल। इसी के ऊपर ये थ्योरम है। आओ देखते हैं, थ्योरम को देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे हमने देखा कि व्हाट थ्योरम सेज दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ये एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर यहाँ एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट के ऊपर हमने ये एक टेंजेंट ड्रॉ करा हुआ है, और इस टेंजेंट का नाम क्या है? ए बी। टेंजेंट का नाम क्या है? ए बी। यानी ए बी एक लाइन है जो इस सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, और वो पॉइंट ऑफ इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर क्या है? पी पॉइंट है। तो थ्योरम ये कहती है जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट के ऊपर, सर्कल के ऊपर, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। किसके? रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये टेंजेंट इस सर्कल को जहाँ पर मीट करता है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर इस फिगर में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? पी, क्योंकि इस पॉइंट पे टेंजेंट मीट कर रहा है सर्कल को। अब थ्योरम ये कहती है कि इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर जो भी रेडियस होगा, इनफैक्ट इस सर्कल के बहुत सारे रेडियस होंगे, इस सर्कल के कितने रेडियस होंगे? इनफाइनाइट रेडियस होंगे। इनफाइनाइट रेडियाई वुड बी देयर ऑफ दिस सर्कल, और उन सभी रेडियाई में से जो ये वाला जो रेडियस होगा, कौन सा रेडियस? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू आ रहा है, ये क्या होगा? इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। यही हमें इस थ्योरम में शो करना है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिंपल है, या इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे बोल सकते हैं? ये थोड़ा सा लैंग्वेज हल्का सा बड़ा है, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे बोल सकते हैं? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कॉमा, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दैट्स ऑल। सिंपल। इस थ्योरम का स्टेटमेंट हम कैसे दे सकते हैं दोबारा? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सिंपल है। तो हमें क्या गिवन क्या है हमारे पास? गिवन हो गया अ सर्कल सी। इस सर्कल का नाम हमने क्या मान लिया? इस सर्कल का नाम हमने मान लिया सी। इस सर्कल का नाम है सी, और इस सर्कल का सेंटर जो है वो है ओ पॉइंट। ये सेंटर है, और इसका रेडियस हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लिया। स्मॉल आर क्या है? इसका रेडियस है। सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? स्मॉल आर। एक्चुअली ये जो तरीका है ना सर्कल को लिखने का, ये कन्वेंशनल तरीका है। क्या तरीका होता है? ये शुरू से चला आ रहा है, सर्कल को हम ऐसे ही लिखते हैं। सर्कल कैसे हमने लिखा हुआ है?
सी फॉर सर्कल, और जो इसका सेंटर होता है पॉइंट वो हम यहाँ लिखते हैं, और जो इसका रेडियस होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये हो गया तुम्हारा। तो अब देखो इधर, हमको सिंपली गिवन क्या है, एक सर्कल है जो कि एक सर्कल हमको गिवन है जिसका कि सेंटर ओ है और जिसका रेडियस आर है, और इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट है, टेंजेंट का नाम है ए बी, और ये टेंजेंट है तो ऑफ कोर्स किसी न किसी पॉइंट के ऊपर टच कर रहा होगा, तो किस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट है, पी पॉइंट के ऊपर। ये हमारा हो गया गिवन। सो व्हाट इज गिवन, अ सर्कल सी विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर एंड अ टेंजेंट ए बी टू दिस सर्कल एट पॉइंट पी, दिस इज गिवन टू अस। नाउ सिंपली व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये हमें प्रूव करना है। व्हाट वी हैव टू शो, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू, ओ पी इज योर रेडियस एंड दिस इज योर टेंजेंट। वी हैव टू प्रूव दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। एक छोटा सा सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसको प्रूव करने के लिए। हम इस पूरे के पूरे टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे क्यू, जो कि पी से फर्क है। पी के अलावा इस पूरे ए बी के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इस पूरे ए बी के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से एक पॉइंट तो ये आपका पी हो गया, तो पी के अलावा ये जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से कोई हमने एक पॉइंट ले लिया क्यू। तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन, एक कोई पॉइंट ले लिया क्यू जो कि पी से अलग है, और कहाँ ले लिया, टेंजेंट के ऊपर, ए बी के ऊपर। और फिर हमने क्या किया, इसी पॉइंट को क्यू को हमने क्या किया, ओ से हमने ज्वाइन कर दिया, और जब हमने ज्वाइन किया ओ क्यू को, जब हमने ज्वाइन किया तो ये जो ओ क्यू है ये क्या कर रहा है, ये ओ क्यू जो है ये सर्कल को कट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, आर पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, आर दे दिया। सपोज ओ क्यू मीट्स, सपोज ओ क्यू मीट्स द सर्कल एट पॉइंट आर, ओ क्यू इस सर्कल को जहाँ पर मीट कर रहा है उस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, हमने सपोज कर लिया नाम, और वो नाम है आर। तो चलो आ जाओ फटाफट अब इसका प्रूफ देखते हैं हम, प्रूफ सेक्शन। अच्छा, हमें एक रिजल्ट, एक कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, और उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इसको हम प्रूफ करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास एक लाइन दी हुई है और हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है, और यहाँ पर जो हमारा केस है ये पॉइंट का नाम है ओ। अब क्या है, देखो ध्यान से देखो, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इन सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को हमने ओ से ज्वाइन कर दिया। हमने क्या किया, इन सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को ओ से ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। अब हमने क्या देखा, इन पॉइंट्स के आप नाम रख सकते हो, ए बी सी पी क्यू आर एस। अब हमने क्या देखा कि ये वाला जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है ओ पी, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, और ये ओ पी इनफैक्ट है क्या, जब हम देखेंगे इसको ज्योमेट्रिकली तो ओ पी इनफैक्ट है क्या, ओ से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये सारे के सारे देखो सिंपल है, ये इसको हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं सिंपली। ये सारे के सारे जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, ओ सी हो गया, ओ क्यू हो गया, ओ आर हो गया, ओ एस हो गया, ओ पी हो गया, इन सारे लाइन सेगमेंट्स में से जो सबसे छोटा है, जिसका लेंथ सबसे छोटी है, वो क्या है, ओ पी, और ये ओ पी है क्या, ओ से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये रिजल्ट क्या होता है, इनफैक्ट ये रिजल्ट होता है ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ओ
which is not lying on this line, what happens? The shortest distance is what? The shortest distance from this point to this line is what? It is the perpendicular from this point to this line. ये सिंपल सा रिजल्ट है. इसी रिजल्ट को हम यूज करके अपना थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं. अब यहाँ पे देखो, हमें यही रिजल्ट यहाँ पे लिखा है. वी नो दैट अमंग ऑल द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ, सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स जो ओ को ज्वाइन कर रहे हैं, टू अ पॉइंट ऑन ए बी, ए बी के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उन सभी पॉइंट्स को ओ से ज्वाइन करो. तो अब ये जो सारे के सारी जो लाइन सेगमेंट्स हैं, द शॉर्टेस्ट वन इज परपेंडिकुलर टू ए बी. इन सभी लाइन सेगमेंट्स में से, इन सभी की सभी लाइन सेगमेंट्स में से, इन सभी की सभी लाइन सेगमेंट्स में से जो शॉर्टेस्ट होगी, जो मिनिमम लेंथ की लाइन सेगमेंट होगी, वो कौन सी होगी? वो वही होगी जो ओ से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है. यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है. आओ चलो देखते हैं, प्रूफ देखते हैं. अब सिंपल है. तो यहाँ पर अगर हमें प्रूफ करना है कि ओ पी ए बी के परपेंडिकुलर है, तो हमें सिंपली ये प्रूफ करना होगा कि ओ पी जो है वो शॉर्टेस्ट है. ओ पी की जो लेंथ है वो क्या है? शॉर्टेस्ट है. सो टू प्रूव दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इट इज सफिशियंट टू प्रूव दैट ओ पी इज शॉर्टर दैन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी. ए बी के ऊपर कोई भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट से जो ओ का डिस्टेंस है, उनमें से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा है? ओ पी. अगर हम ये दिखा दें कि ओ पी इज द शॉर्टेस्ट वन, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ओ पी क्या हो गया? ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया. और बस यही तो हमें प्रूव करना है. टू प्रूव में यही तो है हमारे पास. चलो आ जाओ देखो इधर कैसे किया हुआ है. ओ पी और ओ आर बराबर होंगे. ये रहा तुम्हारा ओ पी और ये रहा तुम्हारा ओ आर. ये दोनों बराबर होंगे. क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं. क्यों रेडियस है? क्योंकि पी देखो सर्कल के ऊपर है और आर भी सर्कल के ऊपर है. तो पॉइंट को जब हमने सेंटर से जोड़ा तो वो रेडियस फॉर्म करता है. तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? सेम सर्कल के रेडियस, इसलिए दोनों की लेंथ क्या हो गई? इक्वल हो गई. ओ पी इज इक्वल्स टू ओ आर, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. अब ज़रा हम ओ क्यू देख लेते हैं. ये रहा तुम्हारा ओ क्यू. तो इस फिगर में साफ साफ दिख रहा है ओ क्यू किसके बराबर होगा? ओ आर प्लस आर क्यू. ओ आर प्लस, सिंपल फिगर से दिखाई दे रहा, ओ आर प्लस आर क्यू इज इक्वल्स टू वॉट? ओ क्यू. वही लिखा हुआ है, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर प्लस आर क्यू. अब इधर देखो, एक फटाफट एक चीज़ देख लेते हैं हम. हमारे पास सपोज करो ये लिखा है, फाइव इज इक्वल्स टू थ्री प्लस टू. तो यहाँ से अगला स्टेप जो आएगा वो क्या आएगा? फाइव क्या होगा? वो थ्री से बड़ा होगा. सिंपल है, क्योंकि फाइव क्या था? इन दोनों नंबर्स को जब हम जोड़ेंगे तब आंसर फाइव आएगा. तो इन दोनों नंबर से फाइव क्या होगा? बड़ा होगा. तो फाइव इज़ ग्रेटर देन थ्री. सिंपल है. उसी तरीके से देखो, ओ क्यू जो है इन दोनों नंबर्स का सम है. तो ये जो ओ क्यू होगा, ये जो ओ क्यू होगा, ये ओ आर से बड़ा होगा. यही वाला लॉजिक लगाया हमने. तो ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ आर. और देखो ओ आर देखो किसके बराबर है? ओ आर ओ पी के बराबर है. अभी यहाँ पे देखा था हमने, दोनों के दोनों रेडियाई है. तो यहाँ पे ओ आर की जगह ओ पी रख दिया. तो ओ क्यू क्या हो गया? ग्रेटर देन ओ पी हो गया. या इसको पलट के लिख दो, इसको दूसरी तरफ से लिख दो. इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ओ पी इज लेस देन ओ क्यू. सेम चीज़ है. इसी रिजल्ट को हमने ऐसे लिख दिया, उलट करके लिख दिया, ओ पी इज़ लेस देन ओ क्यू. और ये जो चीज़ है ओ पी इज़ लेस देन ओ क्यू, ये हर एक कोई भी, अब इस ए बी के ऊपर तुम कोई भी एक पॉइंट ले लोगे क्यू, कोई भी एक पॉइंट. यहाँ पे तो इस पॉइंट का नाम हमने क्यू दिया था. अब तुम कोई भी पॉइंट ले लो इस ए बी के ऊपर, जिसको कि हमने यहाँ पर क्यू से डिनोट किया था. तो हर पॉइंट के लिए ये बात सही होगी. क्या बात सही होगी? कि ओ पी का जो डिस्टेंस है वो हर एक पॉइंट के लिए ओ पी का डिस्टेंस छोटा होगा. तो इसको कैसे बोल सकते हैं हम? ओ पी इज लेस देन ओ क्यू फॉर ऑल द पॉइंट्स क्यू लाइंग ऑन ए बी.
दिस रिजल्ट इज वॉट ओ पी इज लेस दैन ओ क्यू फॉर ऑल द पॉइंट्स क्यू लाइंग ऑन ए बी. ए बी के ऊपर क्यू जैसे सारे के सारे पॉइंट्स के लिए ये बात सही है. तो इसका क्या मतलब हो गया कि ओ पी क्या हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया. दस ओ पी इज शॉर्टर दैन, ओ पी शॉर्टर है किससे, एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी. ए बी के ऊपर कोई भी पॉइंट है उससे जब हम ओ को ज्वाइन कर रहे हैं तो उन सभी की जो लेंथ्स है उन लेंथ्स में सबसे छोटा क्या हो गया, ओ पी. तो ओ पी जब सबसे छोटा है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही परपेंडिकुलर होता है. तो इट मीन्स क्या हो गया, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हेंस प्रूफ्ड. डियर स्टूडेंट्स, जो प्रूफ है उसका जो राइटिंग पार्ट है वो तो बहुत ही कम है, राइटिंग पार्ट इनफैक्ट बहुत ही कम है. मेन चीज़ जो इसमें इन्वॉल्व है वो अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व है. तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना है. और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक यूज़ हुआ है वो सिंपल यही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. एक हमारे पास लाइन है, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, अलग अलग इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं. और एक पॉइंट है ओ जो कि लाइन से बाहर का पॉइंट है. इस ओ पॉइंट से इस लाइन के ऊपर बहुत सारे हम लाइन सेगमेंट्स खींच सकते हैं, ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स हम खींच सकते हैं. अब इन सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स में से जो सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा, जिसकी जो लंबाई होगी सबसे छोटी होगी, वो क्या होगा, वो ओ से इस पॉइंट पी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा. क्या होगा, परपेंडिकुलर. बस यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे प्रूफ में यूज़ किया हुआ है. तो हमने क्या शो कर दिया, ओ पी इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेज फ्रॉम ओ टू ए बी. तो ओ पी जब शॉर्टेस्ट हो गया इट मीन्स ओ पी क्या हो गया, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया. और यही हमको चाहिए था, यही हमारा ट्रू प्रूफ था. स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल थ्योरम है, इसको छोड़ना मत, क्योंकि ये 3 मार्क्स में सेक्शन सी में ये पूछा जा सकता है. सेक्शन सी जो है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर का 3 मार्क्स का, उसमें दिस थ्योरम कैन बी आस्क्ड. और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है इस थ्योरम से रिलेटेड या और भी कोई एंटायर मैथमेटिक्स क्लास 10th का कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट में लिख करके मेरे से पूछ सकते हो. फॉर द टाइम बीइंग इस वीडियो के लिए बस इतना ही है. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट थ्योरम है इसका 10.2, वो भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम 10.2 का प्रूफ और उसका स्टेटमेंट करके दिखाने वाला हूँ. और मेरे वीडियोस को जो मैं सीरीज से बना रहा हूँ अभी, एक्चुअली ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये सारे के सारे बोर्ड एग्जामिनेशन, जो इनकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है उसको क्रैक करने के लिए बना रहा हूँ. बस सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ही वीडियोस मैं बना रहा हूँ, एंटायर बुक का नहीं बना रहा हूँ. मेरा पर्पस क्या है कि ये जो इनकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है उसको आप क्रैक कर पाओ सक्सेसफुली. तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट जो मेरा नया वीडियो है जैसे ही मैं पोस्ट करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख सकते हो. एंड दिस इज द एंटायर प्रूफ, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन नोट इट डाउन. ये सारा का सारा प्रूफ, ये सारा का सारा प्रूफ अपनी नोटबुक में नोट कर लो, सो दैट एग्जामिनेशन में तुम इसको रिप्रोड्यूस कर पाओ. इसको सिंपली लर्न करना, हार्डली इट विल टेक 10 मिनट्स, नॉट मोर देन इट.